स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। चंद्र दिख रहा है, ऐसे क्या देख रहा है? तू बाप बनने वाला है। अरे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुझे मिलने वाली है। आप लोग सब भैया और भाभी को ही बताई दो, मेरा तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। अरे मैं भी तो चाचा बनने वाला हूँ। और मैं नानू बनूंगा। नानू खट्टी बात ना बोलू, इतनी बड़ी खुशी हम सबको इतनी आसानी से हजम नहीं होने वाली। कहीं मारी दिकरी को हम सबकी नजर ना लग जाए। मैं मारी दिकरी की नजर उतार लेती हूँ। आजा आजा कुमार बेटा। काका नहीं, नाना। अरे काका मैं कह रहा हूँ कि आप सब भी सुन लीजिए, मुझे कोई काम मत देना आज। मैं शहर जाऊंगा अपने होने वाले भांजे के लिए खिलौने लेने के लिए। देखो चंद्र क्या सोच रहा है, बेटा होगा कि बेटी? सरस कुछ तो बोल बेटा। मुझे पता है भैया क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो इन्हें अपनी ट्रिप आधी छोड़ के आनी पड़ी, और नई बात तो ये है कि अब भाभी के अटेंशन के लिए इन्हें दुगना स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना? और नहीं तो क्या, भाभी अब छोटू आएगा घर में तो आपके पास टाइम थोड़ी होगा इनके लिए। आपका सारा ध्यान तो उनकी तरफ होगा, तो भैया आप ना उसके बाद ऊपर देखना। कुमुद ही क्यों, बच्चा आएगा तो उसके पीछे सरस्त दुनिया ही भूल जाएगा। संतान से सबसे बड़ा सुख माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है? और मेरा सरस्त तो सबसे अच्छा बापू बन के दिखाएगा, देखना सब। सरस्वती अब तो हाँ। आराम से बैठ, कुछ काम नहीं करना। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा सा। दुग्बा सरस्वती आज खाने में क्या मीठा बनाऊं? भाई ये तो होने वाले बच्चे की माँ से ही पूछना पड़ेगा ना। अरे दुग्बा सुबह सुबह ये सब। कल ही मैंने सोच के रखा था कि सुबह उठ के कुमुट के लिए मैं सवाणू बनाऊंगी। हाँ लेकिन तुम क्यों मुझे कह देती, ऐसी हालत में उठकर तुझे बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ दुग्बा अभी तुझ में कमजोरी भी होगी और दर्द भी तो हो रहा होगा कि नहीं? कुछ नहीं, कुमुद की खबर सुन के सारी तकलीफ दूर हो गई। सारी रात तो मुझे नींद भी नहीं आई, बस मैंने सोच रखा था कि मैं सवाणु बनाऊंगी। अरे माँ की तबीयत के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी कुमुद नो बांधो आमे बनतो न थी। कम से कम बच्चा तो गोल मटोल हो। एकदम खरी बात कही दुग्बा तूने। सरस्वती क्या हुआ? तेरे इतने ऋण कैसे उतारूंगी मैं दुग्बा?
मेरे जाने के बाद मेरे चंद्र के सर पे हमेशा तूने हाथ रखा। सच तो ये है कि मैं नहीं, तू ही उसकी असली माँ। और आज मेरा चंद्र जो गृहस्थी का सुख भोग रहा है वो भी तेरी वजह से। सरस्वती, ये सिर्फ तेरे चंद्र की माँ नहीं है, ये कुमुद की भी पहली माँ है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों बच्चों ने पिछले जन्म में दुखबा की कुख से जन्म लिया होगा। तुम लोगों पर केवी बात करो जो, अब तो सिर्फ हंसने के दिन है हमारे। वो छोटा छोटा बच्चा जो आएगा ना वो रहेगा। तुम दोनों क्यों रो रहे हो? चलो अब चखे बताओ कि कैसा बना। चलो चखते हैं। देखो देखो देखो, दिखा दो। सब सही है ना? एकदम सरस। बहुत सरस। दुखवा, गुड्डा गुड्डी आने की खुशी में तेरे हाथ का सवालू तो और भी स्वादिष्ट हो गया है। हाँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं पापा बनने वाला। सरस? अरे नहीं नहीं नहीं, संभाल के संभाल के। मैं ठीक हूँ। तुम ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के जाना है ना। देखो मैं तैयार हो गया हूँ, अब तुम्हें तैयार होना। चलो अभी। अभी नहीं तो कभी। देखो मुझे जल्द से जल्द जानना है कि तुम और छोटू हमारा वो एकदम ठीक है। सरस, मैं ठीक हूँ, हम दोनों ठीक हैं। देखो डॉक्टर के पास अभी जाने की जरूरत नहीं, हम बाद में। चुप। तुम डॉक्टर हो? तुम डॉक्टर हो? नहीं हो ना तो तुम डिसाइड नहीं करोगी, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि तुम और छोटू ठीक है। और मैं देख रहा हूँ आजकल कि तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो अपना, और अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, समझी? हाँ, तो अब जाके तैयार हो, और मैं तुम्हारे लिए वो दूध लेकर आया हूँ, टेबल पे पड़ा है, वो पीना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसे पीना। दूध? चलो जाओ। चलो सरस, मैं ठीक। अरे अच्छा बाबा, ठीक है। सरस मैं चल सकती हूँ। अच्छा ठीक है, धीरे से जाना और जल्दी आना। वो जल्दी जल्दी नहीं आना, आराम से आना, ठीक है? जा 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 जा। कहीं डॉक्टर हमारी अपॉइंटमेंट किसी और को ना दे दे। हेलो, हाँ जी डॉक्टर। बैठो। चले? कहाँ चले, सीट बेल्ट तो पहनो। मुझे तो अरे मैं कर लूंगी सर। दाई देना। सरस हम आज कोई पिक्चर देखने चले। पिक्चर? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा तुमने नाश्ता तो खाया है ना? कहाँ क्या, तुमने कहा जल्दी जल्दी आ जा तो सोचा कि मैं वापस आकर खा लूँ। पता था मुझे, बट आई एम वेरी स्मार्ट। तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ मैं। ये तुमने? तुम नहीं, मैं देता हूँ ना। ये बहुत, और थोड़ा सा पानी भी पी ले। ये पानी, टिफिन? ये टिफिन पूरा खत्म करना, उसके बाद थोड़ा सा पानी भी पीना। डॉक्टर से तुम्हारा डेली रूटीन और डाइट प्लान भी ले लेंगे, ठीक है? अब चलते हैं। क्यों गाड़ी चला रहे? ये कौन गाड़ी चला रहा है? और देखो तुम जानती हो कि हमारी सड़कें कितनी खराब हैं,
कितने स्पीड ब्रेकर हैं मैं और कितने गड्ढे भी। मैं एकदम ठीक गाड़ी चला रहा हूँ। सरस देखो इतनी धीरे चलाने की जरूरत नहीं, हम थोड़ा तो फास्ट चला सकते हैं। गाड़ी तो इतनी ही स्पीड पे चलेगी। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। मालूम है सब कुछ ठीक है, और मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ। गाड़ी चलानी। हेलो डॉक्टर। हेलो, मैं सरस्वती चंद्र व्यास। जी जी बैठिए मिस्टर व्यास। जी कहिए। ये मेरी वाइफ है, मैं इनका चेकअप करवाने लाया हूँ। okay. ये प्रेग्नेंट हैं और हम दोनों बहुत जल्द मम्मी और पापा बनने वाले हैं। ओके okay. आप प्लीज वेट कीजिए, तब तक मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ। ठीक है। रहने दीजिए, मैं अंदर ले जाऊंगी, आप वेट कीजिए। टाइम क्यों लग रहा? सब ठीक होगा, इतना नर्वस मत हो सरस। ऑफ कोर्स तू ये कर सकता है, यू कैन डू इट। आई डॉक्टर, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बैठो। मिसेस व्यास, मिस्टर व्यास आपसे कहीं ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। मिस्टर व्यास घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ और बच्चा दोनों पूरी तरह से हेल्दी हैं। क्या बात है डॉक्टर, मुझे इनका डाइट प्लान जानना था और डेली रूटीन भी। मेरे कहने का मतलब है कि ये क्या खा सकती नहीं खा सकती, ये चल सकती कि नहीं चल सकती, स्कूल जा सकती कि नहीं जा सकती, ये पिक्चर देख सकती कि नहीं देख सकती, मैं ये भी पूछना चाह। आराम से आराम से, जब आप इनके साथ हैं तो मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि आप अपनी वाइफ और बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रख सकते हैं और आप एक परफेक्ट फादर बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, आप टाइम टू टाइम दे दीजिएगा इन्हें। दवाइयाँ? हाँ हाँ भाई, कल से काम शुरू कर देना है और काम में किसी प्रकार की देरी नहीं चाहिए मुझे, समझ गए? भले भले, आओ जी। चलो ये तो हो गया, अब झूले वाले को फोन करना बाकी है। नौ सुनिए। कौन है आप? गुन, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या जरूरी काम है? अरे भाई, कुमुद के नए कमरे की तैयारियां करिए, सारी चीजों का इंतजाम करना है मुझे। नया कमरा? क्यों? क्यों क्या, वो रोज रोज सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएगी तो थक नहीं जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि कुमुद अब से नीचे वाले कमरे में रहेगी, बच्चे के लिए भी यही अच्छा होगा। और मैंने सरस से भी बात कर ली है, वो भी मान गया। आप दोनों ना पगला चुके हो। नाना बनने वाला हूँ, नाना। नाना तुम नहीं समझोगी। अच्छा आ, मुझे नहीं समझेगा। मैं भी नाने बनने वाली हूँ। ठीक है अभी। अब देखो बहुत सारे काम पड़े, मुझे परेशान मत करो, तो मैं कह देता हूँ। हाँ, मैंने वो रंग वाले को बुला लिया है कल और बोल दिया कि पूरा कमरा गुलाबी होना चाहिए। गुलाबी क्यों? नीला क्यों नहीं? नीला एकदम साफ और सुंदर कलर है, एकदम आसमान की तरह। नहीं नहीं नहीं, गुलाबी की तरह नहीं, गुलाबी एकदम शांत और शुभ होता है। अच्छा, आपको सब पता है। विद्या विद्या चतुर नाम है मेरा, नहीं मानती? चलो सबसे पूछते हैं। हाँ, सबको पूछते हैं और फिर जो तय होगा वही रंग लगेगा। ठीक है, सब बोलेंगे गुलाबी तो गुलाबी। हाँ, वरना गुलाबी। हाँ? सुनिए, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो कुमुद, पता था मुझे यही होने वाला है, इतनी लापरवाही दिखाने की क्या जरूरत है? हमेशा तुम अपनी मनमानी करती हो, पता है कितना परेशान हो गया था मैं। सरस क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा?
कुछ ठीक नहीं है माँ, डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ लेने के लिए कहा है। दवाइयाँ किस लिए? भाई कुछ हुआ होगा तभी दवाई लेने के लिए कहा है, और कैसे नहीं होगा, ये अपना ध्यान कहाँ रखती है? पर हुआ क्या है? इसने सुबह नाश्ता नहीं किया, वो तो मैंने गाड़ी में करवा दिया, पर इतना टाइम कुछ खाया नहीं था, इसकी वजह से इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। अब तू बताएगा कि डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैल्शियम और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेनी है। बताओ। अरे आप लोग हंस रहे, बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी और आप लोग हंस रहे? और नहीं तो क्या करे, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं, हर होने वाली माँ को ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और यही मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना तुम्हारी गाड़ी को ब्रेक लग रहा है ना तुम्हारी बातों को, कब से बस बोले ही जा रहा है बोले। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आराम नहीं करो, अब एक काम करो, बहुत सारी बातें होगी, अब जाके कमरे में आराम करो। चलो अब आप चलो। अरे चलो उठो, चलो। क्या कर रहे हो आप भैया? मतलब भाभी सीढ़ियां चढ़ के जाएंगी, थक जाएंगी वो, थोड़ा तो ध्यान रखो आप। सही कह रहे हैं। क्या सही? सही तुम्हें तो ना मैं बाद में देखूंगी। नहीं 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 कुमत, कोई कुछ भी कर, जब तक हमारा कमरा ऊपर से नीचे शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मैं ऐसी गोदी में लेकर जाऊंगा। ये चरस, जाने तुम पागल, मैं पागल हो गया। नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अब तुम यहां पे आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? सरस, अरे क्या क्या कर रही हो? क्या? कुमुद आराम करो ना। अरे मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आता हूँ, और माई से भी कह देता हूँ कि तुम्हारे लिए पालक सूप बना दे, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और यहाँ पे पानी का ग्लास रखा हुआ है, उसे पीती रहना। और एक ही पिल्लो है तुम्हारे पास, दो तीन पिल्लो दूँ आराम मिलेगा? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। सरस मेरा फोन तो कम से कम। नहीं नहीं फोन नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो छोटू को फोन की वाइब्रेशन से प्रॉब्लम हो सकती है, तो फोन नहीं। अच्छा मैं कह रहा था कि कंबल नहीं है तुम्हारे पास? सरस एक मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, वही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सरस मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नर्वस हो, पर मैं ठीक हूँ, हमारा होने वाला बच्चा ठीक है और तुम भी ठीक हो जाओगे। जिस तरह से तुमने अपने आप को एक अच्छा पति साबित किया है, उसी तरह से तुम एक अच्छे पिता भी बनोगे। सरस तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमसे अच्छा पिता किसी को नहीं मिल सकता, और मुझे यकीन है कि तुम अपने बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करोगे, उसे खिलाओगे पिलाओगे, उसके साथ खेलोगे, उसे रोज कहानियाँ सुनाओगे, और तुम एकदम परफेक्ट पापा होगे। तुम सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। सरस तुम दुनिया के सबसे 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 अच्छे पापा बनोगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं आता हूँ दवाई लेकर। अजीब है, यहाँ क्या कर रहा है तू? मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ। कोई परेशानी है? हाँ नहीं, परेशानी कुमुद की या बच्चे की? अपनी। अपनी? तुझे क्या हुआ? भाई मैं पापा बनने वाला, वो बच्चा जब जन्म लेगा तो मुझे पापा बुलाएगा। हाँ पापा ही बुलाएगा,
या जो तू चाहे, अगर उसे बापू कहना सिखाएगा तो बापू बुलाएगा। नहीं माई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी। बच्चे को खिलाना होगा, बच्चे को नहलाना होगा, बच्चे को चलना सिखाना होगा, फिर उसे स्कूल भी छोड़ना होगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो हायर स्टडीज के लिए उसे अब्रॉड भेजना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।